चलिए ऑर्डर इन द हाउस करो, ऑर्डर इन द हाउस करो। देखिए इस तरह ना करें, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोल रहे थे तो खामोशी से बेंचे से सुने, गवर्नमेंट बेंचे सुने, अब सुने, इस तरह ना करें, इस तरह ना करें। ये अजीब रखेगा बनाए, ये देखिए वीडियो हमारे मौलवी साहब जो है बड़ी बड़ी बना। यहाँ पे अमन चौधरी साहब बैठे हुए हैं, अमन चौधरी साहब बैठे हुए हैं और कल टीवी पे कहा है कि आवाम इमरान खान को हम डिग्गी में छुपा के जनरल एजाज अमजद के घर ले गई गए जहाँ पे जनरल बाजवा के साथ उनकी मुलाकात, डिग्गी में छुपा के लेके गया। कहा गया अमन चौधरी साहब, वो अमन चौधरी साहब बैठे हुए और जनरल एजाज अमजद के घर जो सुसर है जनरल बाजवा के, इन्होंने कहा सिर्फ उनके गिटन को हाथ नहीं लगाए बाकी सारे धरने किए उनके। यार ये असलियत है आपके लीडर की, थोड़ा सा फेस करो। आप तो मुशर्रफ के साथ ही थे, ऐसे शो के लालक बन गया मुशर्रफ के नाम भी सब किसी। जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, आप ये कहते हैं के शुहदा भी हमारे हैं, वो अजीब रखे, वो शहीद नहीं कैसे ना करें, अजीब रखे, वो दोनों मैं भी नफीसाबाद से नारे लगाता हूँ, मेरी उनके साथ रिश्तेदारी है। यार डेप्टी स्पीकर, अगर ये कहते हैं कि शहदा हमारे हैं तो मुझे बताया जाए कि 9 मई को जिन लोगों ने शहदा के मुजस्मों की तोहीन की उनको उल्टाया गया सारे पाकिस्तान में, वो लोग कौन थे? या उस दिन का क्या कहते हैं, कहते हैं कि 9 मई बहाना था, इमरान खान निशाना था, तो ये सारे लोग जो है जीएचक्यू किस तरह पहुंचे हुए थे, या कोर्ट कमांडर के घर के सामने किस तरह पहुंचे हुए थे, या जीएचक्यू या उधर फैसलाबाद में आईएसआई के दफ्तर के सामने किस तरह पहुंचे थे, मियांवाली के उधर किस तरह पहुंचे थे? तो आप देखें शाह महमूद कुरैशी साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सारे के सारे जो है अब ट्रैक बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस तरह अमन चौधरी ने कहा कि जिस तरह बाजवा साहब के गिट्टे पकड़ने की कोशिश करते रहे, अब किसी और के गिट्टे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। असलियत इनकी ये है, असलियत इनकी ये है। जनाबे जनाबे डिप्टी स्पीकर, दूसरा मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। ये कहते हैं वो जो नेकलेस का थे ना, हार का जो सौदा हुआ था वो 80 लाख का है। न्यूयॉर्क में मेडिसन एवेन्यू पे ग्लास की दुकान है, उनके दुकान के बाहर जो तस्वीर बड़ी लगी हुई है वो उस नेकलेस की लगी हुई है। मेरे टेलीफोन में महफूज है, मैंने ली थी। ग्रास की दुकान के ऊपर अगर नेकलेस लगा हुआ हो तो वो 80 लाख का ना होगा, वो 2000 या 20000 या 25000 डॉलर का नहीं होगा, वो जो है मिलियंस ऑफ डॉलर का होगा, जो इन्होंने बाजार में बेच के जो है आधे पैसे पोषा खाने में जमा करे और आधे पैसे जेब में डाल दिए। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। जब लीडर ऑफ अपोजिशन तकरीर कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था आज से तकरीबन 20 साल कब्ल जो है, जब ये शौकत अजीज की साइड के होते थे तो उस वक्त ये क्या तकलीफ करते थे। मेरी आप पुरानी सुन लो, मेरे वाले साहब ये सुनाओ। तो जनाब जनाब डिप्टी स्पीकर, अगर ये इन्होंने बनाए लिया है उन लीडर ऑपोजिशन मजबूरी है इनकी या जो भी है, तो कम से कम उनके माजी के झरोखों में झांक के देखें कि यहाँ पे नवाज शरीफ की कितनी तारीफें करते थे, शहबाज शरीफ की कितनी तारीफें करते थे, मुशर्रफ की कितनी तारीफें करते थे, शौकत अजीज की कितनी तारीफें करते थे। मैंने
मैंने तारिक फिल्म साहब बैठे हुए थे, मैंने इनको कहा था यहाँ पोस्टर लगाओ मुख्तलिफ इलेक्शनों में जिन जिन टिकटों के ऊपर इन्हें इलेक्शन लड़ा, बैट पे इलेक्शन, साइकिल पे इलेक्शन, साइकिल के साथ लफ्स मुनासिब नहीं है, दूसरा जो है वो तीर पे इलेक्शन, फिर जो है तीर पे लेकर लड़ा हुआ नहीं लड़ा नहीं लड़ा हुआ, और उसके बाद शेर पे इलेक्शन। सर ये पूरी कार्ड जो है आगे पीछे सारी मैं सबको जानता हूँ, उनके बुजुर्गों को जानता हूँ, इन्होंने अपनी तकरीर में अपने वालिद साहब मोहतरम का जो है रेफरेंस दिया कि वो स्पीकर थे यहाँ पे, जनाबे डेप्टी स्पीकर वो यहाँ पे पीएमएलएन के स्पीकर थे, उनको स्पीकर जो है मियां नवाज शरीफ ने बनाया हुआ था, मियां नवाज शरीफ ने उनको स्पीकर बनाया, वो यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वो भी मियां नवाज शरीफ ने उनको बनाया। तो माजी भूलना न चाहिए बल्कि उनसे सबक सीखना चाहिए। जनाबे डेप्टी स्पीकर अब ये हमने बड़े हम्बल और इत्मीनान से इनकी तकरीरें सुनी है, शोर मचाते रहे, मैं फिर भी तकरीर करता रहूंगा, मुझे कोई उनसे फर्क नहीं पड़ता। दूसरे इन्होंने इलेक्शन का कहा है, इलेक्शन में ये होता है। जनाब स्पीकर इस मुल्क की तारीख में वन मैन वन वोट जो है उसका हक पाकिस्तान की आवाम से जो है यू खारिज किया था, और बेसिक डेमोक्रेसी जो है उसने इंट्रोड्यूस की थी, 70-75 हजार बंदों का इलेक्ट्रल कॉलेज बनाया था, और करोड़ों लोगों को जो है वोट के हक से महरूम कर दिया गया था। ये तारीख है, मैं जरा तारीख दुरुस्त कर दूं कि ये तारीख पहले क्या कहते थे, इसी फ्लोर पे अभी भी इस हॉल में इनकी आवाजों की जो ये मक्खन लगाते थे, जो चमचागिरी करते थे, वो सारी आवाजें आज भी गूंज रही हैं, वो आज भी गूंज रही हैं, ये बार बार अपने रेफरेंसेस देते हैं। भाई आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, कहीं भी ये मैं अल्फाज मालूम करा हूँ, मैं समझा देखो चमचागिरी का लफ्ज हम रिस्पॉन्स करते हैं। क्या डेप्टी स्पीकर ऑर्डर इन द हाउस, भाई वापस आता हूँ, आप ऑर्डर इन द हाउस तशरीफ रखें। 9 मई के मुताबिक इन्होंने जिक्र किया, देखिए अगर रूल्स का ना पता होना तो ये नहीं बात करते, बजट की तकरीर में आप हर चीज पे जो है वो कर बात कर सकते हैं। 9 मई को अब ये कहते हैं कि शहदा भी हमारे हैं, फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। ये अल्फाज शंदाना साहिबा ने मशीन में जलसे में कहे थी, जो उनको गालियां पड़ी हैं उन्होंने खुद बताया है टीवी के ऊपर कि मुझे कितनी गालियां पड़ी। अब ये जो चेंज कर रहे हैं, ट्रैक चेंज कर रहे हैं, अच्छा हम वेलकम करते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि अगर 9 मई की ये मजम्मत करते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि सवा साल डेढ़ साल जोर लगा के देख लिया है, कुछ नहीं बना तो आप करो भी आ लें, चले जो भी आप जो मर्जी कह लें, लेकिन सारे पाकिस्तान की आवाम जो है वो बेवकूफ नहीं है,